अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ ईद की, और डायरेक्ट मस्जिद के बाहर से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि घर में मैं इंट्रो शूट नहीं कर पाया। तो जल्दी जल्दी चलते हैं नमाज़ पढ़ने, वरना भाई नमाज़ निकल जाएगी। الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأرض। तो भाई हम लोग ना नमाज बस पढ़ गया अपने घर आ गए के वो निकलना हालत क्या कर रही है। मैं रात को सोया नहीं था बिल्कुल भी, नींद पूरी नहीं हुई की। तो हम लोग वापस आ रहे हैं नमाज पढ़ के। ये मेरे कपड़े हैं, मैं खुद अपने डिजाइन खुद सजवाया था अपने कुर्ते का। और ये है भाई अजान भाई का कुर्ता, और इसके पीछे ये है ना, ये वाला, ये है भाई शेर भाई का कुर्ता, और ये पापा का कुर्ता लटका हुआ। तो भाई अभी बस मैंने सोचा ब्लॉग शुरू ही कर लूँ दोबारा, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा बना नहीं पाया, छोटा सा ही सीन बनाया था। तो चलते हैं बाहर आपको मौसम दिखाते हैं। मौसम में बड़ा बहुत अच्छा मौसम हुआ है मंजर। तो हम लोग चलते हैं बाहर और आपको मौसम दिखाते हैं, चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं मौसम। ओए होए होए भाई साहब, आप मौसम देखिए भाई, आप बस मौसम देखिए भाई, मौसम देखिए आप, क्या खूबसूरत मौसम हो रहा है। तो चलते हैं अपनी गाय के पास, ये बैठी हुई हमारी गाय। और भाई क्या हाल है आपके, मौसम कैसा है, मौसम कैसा, अच्छा मौसम हो रहा है भाई। देख सकते हैं आप लोग मौसम हुआ है, मुझे पूरा आसमान में सिर्फ और सिर्फ काले बादल नजर आ रहे हैं। बाहर आए मौसम के हाल चाल देखने के लिए। और ये हमारे काया की गाय, ये देखिए गाय, और एक गाय का फाल जमा करेगी, ये गोर हो गई, ये थोड़ी सी गड़की है पर निकल के ठीक हो जाएगी। और ये हमारे लड़के हैं, देखिए यहाँ बैठा हुआ है, अभी खाना खा के बैठा है। तो हमारे बराबर वाले जो हैं उनकी गाय तो कट चुकी है, हमारी भी नहीं रखी है, और अभी शायद 10 बज रहे हैं अभी। तो अभी थोड़ी देर में हमारी गाय भी कटेगी, तो फिर गाय अपनी गाय की कुर्बानी दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं वो जैसे गिरा गया लंग में हाथ लगाए हैं, वो गर्दन नीचे रख के लेट गया है आराम से, जवान भी उसको हाथ लगा रहे हैं, वो आराम से लेटा हुआ है, उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। बस आज ये भी कुर्बान हो जाएगा, और दुआ यही है कि हमारी कुर्बानी कबूल हो। याद तो बहुत आएगी इसकी, इसको दो में हमारे साथ, और मतलब दिल ऐसा हो रहा है कि कट जाएगा आज, कुर्बान हो जाएगा, फिर अगले साल ही हम लोग को नया जानवर मिलेगा, ये तो इस वीक में कुर्बान हो जाएगा।